नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें मिसकंसेप्शन है ब्रेजा के माइलेज को लेके। मेरी गाड़ी ने आज पहली बार 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो इसमें एमआईडी में शो किया, और मैंने एमआईडी और एक्चुअल में जितना डिफरेंस आता है जो सब आता है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में चेकआउट किया था, तो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं आता। तो दोस्तों मैं तो बहुत खुश हुआ ये देख के कि वाकई में गाड़ी जो है वो इतना माइलेज निकाल के दे रही है। मतलब 16 का माइलेज 1500 लीटर के 1.5 लीटर के इंजन के साथ में, पेट्रोल इंजन के साथ में, एक हैवी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। मतलब कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। पहले जो मेरे पास में हैचबैक गाड़ी थी ग्रैंड आइटन, कई बार सिटी ड्राइविंग में उसमें भी इतना ही माइलेज आता था। तो मतलब मैं बहुत ही सेटिस्फाई हुआ ये फिगर्स देख के, और मैंने सोचा कि एक छोटी सी रिकॉर्डिंग वगैरह करके आप लोगों से शेयर की जाए। और अब ये इससे प्रूव हो जाता है, अगर आप देखोगे तो बाद में मैंने फिर थोड़ी सी और फिगर्स नोट की, अगर मैं इसी तरीके से कंसिस्टेंट ड्राइविंग करता रहूंगा, इसी तरीके से जो इन रोड पे मतलब जो आइडियल कंडीशंस हैं उन पे ड्राइव करता रहूंगा, तो मेरी गाड़ी ने ये देखो 16.1 भी अचीव किया और फिर उसके बाद में 16.2 भी अचीव किया। यानी कि जो मैनुअल पे मारुति क्लेम करती है कि गाड़ी 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे सकती है, वो बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइविंग कंडीशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू आइडियल हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम आइडियल कंडीशंस में वो मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सीधी सादी सड़कों पे बहुत ज्यादा क्लच का बिना यूज करें अगर गाड़ी को चला रहे हैं तो माइलेज अचीव हो सकता है, और इसका प्रूफ है ये जो फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ हमें एक बात और देखनी चाहिए कि अगर हमारी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इतना माइलेज दे रही है, तो फिर उसके बाद में फिर अगर हम टर्बोचार्ज्ड इंजन की तरफ जाते हैं जिनकी की कैपेसिटी ओरिजिनली कम होती है लेकिन उनमें टर्बो का यूज किया हुआ होता है, अगर वो हमें इससे अच्छा माइलेज दें तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई हमें टर्बो इंजन लेना है। लेकिन अगर मान लिया हमारा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज्ड इंजन के उसमें माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर हमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि टर्बो इंजन की जो लाइफ होती है वो कम होती है। डीजल इंजन हमेशा एक टर्बो इंजन होता है, और पेट्रोल इंजन भी जो 1 लीटर का आता है किया सोनेट में और हुंडई वेन्यू में, या फिर 1.2 लीटर का आता है, या फिर जो महिंद्रा XUV 300 में जो इंजन आते हैं वो सारे टर्बोचार्ज्ड इंजन हैं। या तो उनकी माइलेज अच्छी हो अगर कैपेसिटी कम है, अगर हम कहीं पे कॉम्पनसेट कर रहे हैं, अगर हम कैपेसिटी कम के लिए जा रहे हैं, तो या तो उनका माइलेज बहुत अच्छा हो, और अगर माइलेज फिगर्स भी इतनी है, मैंने सबका देखा, मैंने सबका फोर्ड EcoSport वगैरह, उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन है ब्रेजा में, तो मैंने सबका देखा, सबका कंपेयर किया, लेकिन माइलेज फिगर्स यही है। तो अगर माइलेज फिगर्स यही रहे नहीं है तो फिर इंजन कैपेसिटी कम क्यों ली जाए और 3 सिलेंडर इंजन क्यों लिया जाए। तो फिर मैंने यही सोच के, यही देख के मेरे को लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि माइलेज जो है वाकई में जो कंपनी क्लेम कर रही है वो अचीव हो पा रहा है। और वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी एयरपोर्ट रोड पे किसी ड्राइव उस पे फ्लाईओवर पे उस पे चलाना पड़ेगा, नॉर्मल अगर आप ड्राइविंग कंडीशंस में नॉर्मल रोड्स पे अगर आप नॉर्मल तरीके से, बस ये है कि जो ड्राइविंग डायनामिक्स होती हैं जैसे कि क्लच का कम यूज करना, बहुत ज्यादा गियर चेंज ना करना, बहुत ज्यादा ब्रेक ना लगा, उस तरीके से चला रहे हो तो अचीव हो सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मारुति ने पेट्रोल पे मैनुअल में क्लेम किया है 17 का माइलेज और ऑटोमेटिक में क्लेम किया है 18 का माइलेज, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मारुति की जो ऑटोमेटिक ब्रेजा में आती है उसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह पे अगर गाड़ी हॉल्ट होती है तो वहां पे उसका स्मार्ट हाइब्रिड इंजन काम करता है, यानी कि वो टेक्नोलॉजी काम करती है और गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक मोड पे स्विच हो जाती है, इस वजह से वो उस पे 18 का और मैनुअल पे 17 का क्लेम करते हैं। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की ब्रेजा की अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए और ओनरशिप फीडबैक के लिए और टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स और गाड़ियों के बारे में जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।